आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोने में इस हफ्ते आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। आज सराफा बाजार में सोना 62 रुपए सस्ता होकर 50,943 रुपए पर आ गया है। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर सोना 25 रुपए की गिरावट के साथ 50,710 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 206 रुपए सस्ती होकर 60,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। MCX पर भी चांदी 18 रुपये फिसल कर 60,726 रुपये पर ट्रेड करती दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1833.19 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 21.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल मानसून बेहतर रहा तो सोने की खरीद आने वाले समय में और बढ़ेगी। ग्लोबल मार्केट में भी सोने की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हो जाएगा। चांदी की इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले समय में इसकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।